ओम शांति। आज की तारीख है 1/8/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो धारण करनी है, बहुत मीठा खीरखंड बनकर रहना है, कभी भी लून पानी नहीं होना है। प्रश्न है, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? उत्तर है, बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। क्या? कि हे मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो, तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो ये कहावत क्यों है? उत्तर, इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम को और शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं, समझते नहीं कि इसका अर्थ क्या है, इसीलिए ये कहावत है। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर 1, कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है, सदा देवताओं जैसा मुस्कुराते रहना है। नंबर 2, आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद की अग्नि से निकालनी है, विकर्म विनाश करने हैं और बहादुर बन सेवा करनी है, डरना नहीं है। वरदान सतगुरु बाबा का, सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान राजयोगी वो हैं जो राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा को लॉ और ऑर्डर के प्रमाण चलाए। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कौन कर्मेंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और फिर हालचाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी यानी कोई भी कर्मेंद्रिय अपोजिशन तो नहीं करते हैं, सब कंट्रोल में है। जो मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें एक भी कर्मेंद्रिय कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाती है। स्लोगन है, समय पर शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग
और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।